आत्मने नमः। आप सभी दिव्यात्मन को दिव्य रामनवमी की कोटिशः बधाई। यह रामनवमी आपके लिए मंगलमय हो और उस सच्चित आनंद स्वरूप श्री राम जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार अधिष्ठान हैं, अंतःपुर में उनके आविर्भाव, अपने ही अंतःपुर में अपनी बुद्धि रूपी जो कौशल्या है उसमें उस राम तत्व का जो सच्चित आनंद स्वरूप है उसका बोध हो जाना, उसका दर्शन हो जाना ही राम अवतरण का तात्विक अर्थ है। तो अपने जीवन में इस रामनवमी के दिन यह संकल्प करें कि वह जो सच्चित आनंद स्वरूप जो राम हैं वो अवतरित हो जाएं, और जिस क्षण उस राम तत्व का बोध होता है वही क्षण आपके लिए रामनवमी होता है, दिव्य पावन शुभ अवसर होता है। क्योंकि उसी राम तत्व का बोध होने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है और अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाता है, वह राममय हो जाता है। ओम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम सर्वप्रथम आइए इस रामनवमी के दिव्य अवसर पर उस राम नाम महामंत्र का जाप करते हैं। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव करपात्री जी महाराज का कहना था और उन्होंने इस राम नाम महामंत्र का बड़े ही सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार किया, लोकप्रिय बनाया। तो उनका कहना था कि राम नाम महामंत्र है और 21 बार पूरे मनोयोग से कोई भी नर नारी अगर इस राम नाम महामंत्र का जाप करता है पूरे मनोयोग से तो वो जो वैदिक संस्कृति में सबसे बड़ा पाप या अपराध माना जाता है ब्रह्म हत्या, उससे भी मुक्त हो जाता है। राम नाम की यह महिमा है। तो आइए सर्वप्रथम मेरे साथ लोक कल्याण के निमित्त विशेष रूप से संपूर्ण विश्व में जो मानवता को ये कोरोना महामारी ने ग्रस्त कर लिया है, त्राही त्राही कर रही है, पीड़ित है,
तो लोक कल्याण के निमित्त, क्योंकि मैं तो एक परमहंस सन्यासी हूं, अपना कल्याण तो है ही नहीं, मैं ब्रह्मांड के कण कण में जो मेरा निवास है, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, वह सब कुछ मुझ में ही है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के निमित्त ही यह जीवन समर्पित है, प्रतिपल प्रति श्वास प्रश्वास समर्पित है। तो आइए आप भी इस लोक कल्याण की भावना में, इस लोक यज्ञ में राम नाम महामंत्र का पहले 21 बार जाप करते हैं और पुनः उस राम नाम के मर्म को जानेंगे, उस रामावतरण के शुभ अवसर का तात्विक और आध्यात्मिक अर्थ जानेंगे। जितना हो सके पूरे विश्व में इस राम नाम महामंत्र के जाप को स्वतः करें, औरों को प्रेरित करें करने के लिए। आइए करते हैं, कम से कम 21 बार करें और बाकी तो जितना कर सके अधिक से अधिक आज करें, लोक कल्याण के निमित्त। इस तपोभूमि दिव्य भूमि भारतवर्ष में भी जो विभीषिका आई है, महामारी आई है, उसके निवारण के निमित्त और परम पुरुषार्थ को उपलब्ध होने के लिए, उस राम तत्व को उपलब्ध होने के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम। जो भी सुन रहे हैं देवी और सज्जन, विशेष रूप से जो सनातन धर्मी है, राम भक्त है, वो मेरे साथ 21 बार इस मंत्र का सस्वर पाठ करेंगे, जाप करेंगे और उसी पूरे मनोयोग के साथ अपने अंदर उस राम तत्व का जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है, उसका अभिमंत्रण करेंगे कि इस अंतःपुर रूपी कौशल्या के हृदय में वह अवतरित हो जाए, उसका दर्शन हो जाए। इस भाव से कीजिए 21 बार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।
श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय ॐ श्री परमात्मने नमः। वह भगवान राम कौन सी सत्ता है, कौन से तत्व हैं जिनके नाम का इस महामंत्र का जो 21 बार उच्चारण करने से ही जो सबसे भयंकर पाप है ब्रह्म हत्या, उससे भी मुक्त हो जाते हैं, वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा सत्य है। वह लोक भाषा में, लोक स्मृति में, लोक कथा के माध्यम से तो दशरथ नंदन के रूप में जाना जाता है, अवधपति के रूप में जाना जाता है, सीतापति के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह उसका केवल सापेक्ष और सगुण साकार स्वरूप है। तत्वतः वह निर्गुण निराकार निर्द्वंद और निरपेक्ष तत्व है। वह सच्चित आनंद स्वरूप है। वह शाश्वत अस्तित्व है। वह चैतन्यमय है और वह आनंद मूर्ति है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मन है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है। वह जगत प्रकाशक है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अमर रचना श्री रामचरितमानस में कहा, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश राम गुण धाम। जो जगत का प्रकाशक है, यह जो चैतन्य है, जो आत्मन है, जो परमात्मन है, जो एक अखंड अद्वैत अविनाशी है, जो
समस्त प्रकाशों का प्रकाश है, जो चेतना है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे ही परमात्मा कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक वस्तु, विषय, व्यक्ति को जो प्रकाशित करने वाला तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो जानने वाला है तुम्हारे अंदर विद्यमान, वही राम है। और वह मायाधिपति भी है, वह मायाधीश है। माया के संबंध से, की उपाधि से वह मायाधीश हो जाता है, मायापति हो जाता है वह ब्रह्म। मेरे पूज्य गुरुदेव परमहंस दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज, जब भी जाता हूं तो विनोद में कभी कभी किसी राम तत्व का निरूपण करने का कि कुछ जिज्ञासा अभिव्यक्त करूंगा, तो बोलते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। जो अद्वैत वेदांत का जो सृष्टम दर्शन है, दृष्टि सृष्टि, अर्थात इस सृष्टि का वास्तव में कोई आधार अधिष्ठान नहीं है, वह ब्रह्म ही है, उसी की कल्पना है यह जो चैतन्य तत्व है। तो बोलते थे और मुझसे कहते थे, अगली पंक्ति बोलो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। यहां पर देखिए, वेदों का जो अभिष्ट, जो सच्चित आनंद स्वरूप, जो पर ब्रह्म है, राम वही है। सगुण साकार रूप में वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ही अभिव्यक्त हुआ है, और इस रूप में राम तत्व का निरूपण और उस राम तत्व में प्रतिष्ठित होने की जो ये संस्कृति थी और है अभी भी किसी न अर्थ में, तो वह जो राम का जो तात्विक स्वरूप है, उसको उपलब्ध हो जाने का आवाहन है। इस रामनवमी के दिव्य पावन अवसर पर हम सबके अंदर जो राम विद्यमान है, राम सदा विद्यमान है, वही जगत प्रकाशक है। राम के सिवा कोई प्रकाश तत्व नहीं है। तुम्हारी जो भी अनुभूति हो रही है, तुम्हारे जीवन को अनुप्राणित संचालित करने वाला जो तत्व है, वही राम है। कहीं इस भ्रम में न रहो कि राम किसी द्वापर में या किसी कालखंड में, अवधपुरी में दशरथ नंदन के रूप में, कौशल्या नंदन के रूप में अवतरित हुए, फिर चले गए। राम का कोई कालखंड, वो कालातीत है, वो कालों के महाकाल है। तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, ब्रह्मांड के कण कण को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है, वह है राम। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही भी है, और वही सगुण साकार के रूप में अभिव्यक्त होता है। राम ही कृष्ण भी हैं, राम ही जो 10 विष्णु के महावतार हैं, सब में राम ही अभिव्यक्त हुए हैं। और अभी भी ब्रह्मांड के कण कण में, पशु में, पक्षी में, पेड़ में, पौधे में, यह पंचभूत जो जगत है, हर नर और नारी में, तो राम ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। इस सृष्टि में राम के सिवाय कोई है नहीं। इस तत्व का कितना सुंदर निरूपण किया गोस्वामी तुलसीदास ने, जो उस ब्रह्म का निरूपण अनंत शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में, भगवद गीता में किया गया, उसको एक चौपाई, सरल सहज चौपाई के माध्यम से तुलसी बाबा ने कर दिया। वो क्या चौपाई है आप जानते हैं, उस चौपाई का ही निरूपण करूंगा। परमहंस सन्यासी के रूप में, अद्वैत वेदांती के रूप में, जो राम तत्व का जो निरूपण, जो तात्विक है, दार्शनिक है, जो कालातीत है, जो ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है, जो मायाधिपति है, उसका निरूपण आपके समक्ष रखूंगा, ताकि वह कोई मंदिर में बंद होने वाला, किसी कालखंड में उत्पन्न होने वाला राम वास्तविक राम नहीं, वो भी उसी की ही अभिव्यक्ति थी। लेकिन जो राम, जो पूज्य है, आराध्य है, हमारे हृदय का प्रकाशक है, वह तो कालातीत है, तो कहां व्याप्त है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो उपनिषदों का महावाक्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड
उस ब्रह्म से ही व्याप्त है और ब्रह्म में ही व्याप्त है। इस तत्व को, इस उपनिषदों के महातत्व को गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई में रखा, उस राम का विवरण दिया, उस ब्रह्म का निरूपण किया। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास? सीय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना काव्य कविता रचने के लिए और अचानक नहीं कर दी। बड़े ही प्रकांड विद्वान थे वेद के और उपनिषदों के, मर्मज्ञ थे गोस्वामी तुलसीदास, परंतु उन्होंने लोक कल्याण के निमित्त आम जनमानस तक उस परम तत्व को, उपनिषदों के, वेदांत के परम ज्ञान को आम भाषा में कथा के माध्यम से, अवधपति श्री राम की कथा के माध्यम से उस तत्व को लोकप्रिय बनाने और जन जन तक पहुंचाने का वह यज्ञ किया था, किया है श्री रामचरितमानस के रूप में। तो सीय राम मय सब जग जानी, द इंटायर यूनिवर्स इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट सुप्रीम डेटी सीता एंड राम। देयरफॉर With folded hands, my salutations to everyone and everything in the world. इस जगत में, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सीय राममय है, अर्थात ब्रह्ममय है, वह परम तत्व है, वह दिव्य है, इसलिए उसको मेरा बारंबार नमन है। उस राममय, उस सीता राममय, इस जगत को मेरा नमन है, नमन है, नमन है। जब राम का दर्शन इस रूप में होगा तो राम नाम निज औषधि हो जाएगी। जिस क्षण सर्वत्र, मित्र में, शत्रु में, पति में, पत्नी में, संतान में, माता पिता में, मित्र में, दुश्मन में, सब में जब उस राम का दर्शन होगा तो वह परम परा विद्या जो अद्वैत वेदांत है, उपनिषदों का ज्ञान है, जिसमें अद्वैत तत्व का निरूपण है मांडुक्य कारिका में, आचार्य गौड़पाद ने जब निरूपित किया, तो वह दर्शन ही राम तत्व का निरूपण करने में सक्षम हो पाता है। राम ब्रह्म है, निर्गुण निराकार जो शाश्वत सत्य है, वही सगुण सारा साकार जगत में उस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, अवतरित हुआ है। इसलिए तुम भी राम हो, तुम भी सीता हो, हर नर ही राम है, हर नारी ही सीता है। और क्या इसका तात्पर्य है? अहम ब्रह्मास्मि, जो उपनिषदों का के महावाक्य है, ऋषि ने जब उस परम तत्व को, उस राम तत्व को जाना, उस सीय राम को जो ब्रह्मांड के कण कण का आधार अधिष्ठान है, उस तत्व का बोध जब हुआ तब और उस परम वैभव को उपलब्ध होने के पश्चात जो अजर अमर अविनाशी जो परब्रह्म है उसका साक्षात्कार किया, जब अपरोक्षानुभूति हुई तो वह गदगद होकर उस परमानंद का रसपान करते हुए उसने शिष्य को यह मंत्र दिया, तत् त्वम असी। मैं संपूर्ण अद्वैत वेदांत को आज इस पावन रामनवमी के अवसर पर आपके समक्ष, क्योंकि संपूर्ण वेदों का, वेदांत का जो अभिष्ट है राम ही है, क्योंकि राम केवल मायाधिपति, अवधपति, सीतापति, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन ही नहीं है, वो तो प्रतीक हैं, अवतरित हुए, आए गए, परंतु जो राम का जो निर्गुण निराकार जो शाश्वत अखंड स्वरूप है उसका ही निरूपण करते हैं उपनिषद। तो वह ऋषि जिसने राम तत्व का अपने अंदर अवतरण पाया, उसके कौशल्या जो अंतःकरण रूपी जो कौशल्या के उदर में उसका जब दर्शन हुआ, जो अपरोक्षानुभूति हुई उस राम की, जब वासनाओं से मुक्त हो जाते हो,
कौशल्या क्या प्रतीक है? वासना मुक्त, कामना मुक्त, इच्छा अपेक्षा तृष्णा मुक्त जो अंतःकरण है वही कौशल्या है। जिस क्षण तुम कामना वासना से मुक्त हो जाते हो तत्काल राम का साक्षात दर्शन होता है, अपरोक्षानुभूति होती है। तुम वही हो, तुम राम ही हो, सदा राम ही थे और राम ही रहोगे, परंतु कामनाओं वासनाओं इच्छाओं तृष्णाओं अपेक्षाओं के ये जीनी सी चादर है, जीने से पर्दे ने उस राम को जो ब्रह्मांड का प्रकाशक है, जो सूर्य का भी प्रकाश है, जो सूर्य चंद्र अखंड तारे सितारे आकाश गंगा का भी जो प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, जो जगत प्रकाश है, वह तुम्हें ही नहीं दिख रहा है। वह अवधपति, वह जो सीताराम है, वह नित्य तुम्हारे अंदर व्याप्त है। तो जब उद्घोष किया ऋषि ने, जब अपने अंदर जब बोध हुआ, जब शुद्ध अंतःकरण रूपी कामना मुक्त जो अंतःकरण है वह कौशल्या है, परमात्मा है ही वहां, परंतु अवतरित हो जाएगा उसके उदय में। वेदांत दर्शन में हृदय शब्द का अर्थ, ये बायोलॉजिकल जो हार्ट है वो नहीं है, हार्ट एंड सोल जो बोलते हैं फ्रेज में, जो केंद्र है, जो धुरी है तुम्हारे अस्तित्व का, जो बुद्धि है तुम्हारी, प्रत्येक गतिविधि जो संचालित अनुप्राणित हो रही है किसके आलोक में, तो तुम्हारी जो बुद्धि है, और वेदांत दर्शन की तकनीकी भाषा में उसे अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, उसी कहीं चार, उसमें उसका साक्षात दर्शन, डायरेक्ट इमीडिएट इंस्पायर्ड इंट्यूटिव एंड इंटीमेट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम रियलिटी कॉल्ड रामा, द ब्रह्मन, द परमात्मन विच इज योर इंट्रिंसिक इटर्नल नेचर, वह अनुभूत हो जाता है, अवतरित हो जाता है। रामनवमी का ये तात्विक अर्थ है। तो जब ऋषि के अंतःपुर में जो कौशल्या स्वरूप हुआ, अर्थात कामना मुक्त हुआ, वासना मुक्त हुआ, तो उसने अनुभव किया, अपरोक्षानुभूति हुई, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वह राम हूं, मैं ही वह कृष्ण हूं, मैं ही वह शिव हूं। क्योंकि अस्तित्व के केंद्र में, समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में जो तत्व है, जो अक्षय है, अक्षर है, निरामय है, निरपेक्ष है, निर्गुण निराकार है, निसंग है, असंग है, अद्वय अखंड अविनाशी जो तत्व है, वह तो मेरे अस्तित्व का अंतरतम केंद्र है, द इनर मोस्ट कोर ऑफ माई एग्जिस्टेंस इज दैट रमापति सीतापति, दैट ब्रह्मन, वह जो परमात्मन है। उसका जब बोध हुआ तो अनुभूति की तो उद्घोष कर बैठा वह ऋषि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। जो बाह्य नाम रूपात्मक गुणात्मक जो जगत है उसका निषेध हुआ, यह जो क्षणभंगुर शरीर इंद्रियों मन अंतःकरण का जो संघात है उसका नेति नेति करके जो निषेध कर डाला, तो देखा कि इसके पश्चात तो शुद्ध अद्वय एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व जो ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मन है, जो राम है, जो कृष्ण है, जो शिव है, ना ये सब नाम है भाषा, वह तो अव्यक्त है, उसका विवरण संभव नहीं, वाणी से परे तत्व है। समस्त इंद्रियां वहां जा करके अवरुद्ध हो जाती हैं उस राम का विवरण और वर्णन करने में, कोई संभव नहीं है, क्योंकि वह सबकी बुद्धि का केंद्र है, वाणी का भी केंद्र है, समस्त अनुभूति का भी केंद्र है, तो वर्णन कौन करेगा? समस्त वर्णन तो द्वैत जगत के हैं, और वह परम तत्व राम अद्वैय है। तो ऋषि ने उद्घोष किया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ही वह राम हूं, मैं ही परा तत्व हूं, मैं ही वह नारायण हूं,
जो ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान हूं और मैं एक अद्वय हूं, मेरे सिवाय कोई अस्तित्व नहीं है, मुझ में ही ये अनंत ब्रह्मांड, अनंत लोक, 14 भुवन आभाषित हो रहे हैं, कल्पित हो रहे हैं, जिस प्रकार के स्वप्न में दृश्य, दृष्टा और दर्शन मेरे मन के अंदर ही, अपने बिस्तर पर ही, जो एक मन है जो पड़ा हुआ है, वह स्वप्न जगत का त्रिपुटी और अनंत जगत दिखने लगता है। उसी प्रकार के प्रकार से वह राम मेरा अंतरतम स्वरूप है, मैं भी राम हूं और राम ही सर्वत्र है, राम के सिवाय कोई सत्ता नहीं है। जब सनातन धर्म में जब जो अंतिम संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए जाते हैं, तो जो राम नाम सत्य बोलते हैं, उसका यही वेदांतिक जो उपनिषदों का अभिष्ट है, उस अर्थ में वहां पर उस नाम को लेते हैं कि राम नाम सत्य है। अर्थात जो सच्चित आनंद है, तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है, जो जगत का प्रकाशक है, जिसे लोक भाषा में, लोकप्रिय कथा के माध्यम से दशरथ नंदन और कौशल्या नंदन के रूप में जानते हैं, वह तो तुम्हारा आधार अधिष्ठान है, वो तुम वही हो, प्रत्येक पल तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि को वही प्रकाशित कर रहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। अभी अधिकांश जो कथावाचक है, राम, श्री राम के कथावाचक हैं, वो इस तत्व का इस रूप में आपको निरूपण न करेंगे, क्योंकि वो कथा के रूप में आपके समक्ष एक किसी कालखंड में जो राम अवतरित हुए भगवान के रूप में, या राजा के रूप में, राजा रामचंद्र के रूप में सीतापति बने, कौशल्या नंदन रहे, दशरथ नंदन रहे, तो जगत प्रकाश अब उनको लगता है वो तो अवतरित हुए द्वापर में, फिर चले गए, नहीं, वो जगत प्रकाशक है, समस्त जगत उसकी लीला है, उसी की ही अभिव्यक्ति है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। ज्ञान गुण धामो प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ये मैं 4-5 जो महावाक्य है उपनिषदों के, सबका उसके माध्यम से आपको व्यक्त कर रहा हूं, वो प्रज्ञा मूर्ति है, चिन्मय है, जहां कहीं भी जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, जहां भी बोध कराने वाला तत्व है, जो जानने वाला, देखने वाला है, जो ब्रह्म है, दिक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निश्चय, वो जो देखने वाला तत्व आपके अंदर है, वही राम है, वही सीतापति है, तात्विक अर्थों में वेदांत के दर्शन के अनुसार वही दशरथ नंदन है, वही राजा राम है, वह तुम्हारा अभिन्न अंग है, द मोस्ट इमीडिएट एंड इंटीमेट एग्जिस्टेंस ऑफ योर्स एंड एवरीथिंग एल्स, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। तुम कहो कि प्रकाश को सूरज से और सूर्य को प्रकाश से अलग करके, मुझे प्रकाश शून्य करके, प्रकाश मुक्त करके मैं सूरज को देखना चाहता हूं, ताप मुक्त और प्रकाश मुक्त अग्नि का दर्शन करना चाहता हूं, क्या यह संभव है? तरलता से मुक्त और द्रवता से मुक्त पानी कभी देखा तुमने? संभव नहीं है। उसी प्रकार से वह जो राम है, वह तुम्हारे अंदर जो प्रकाशक है, जो जिसे उपनिषदों ने दृक कहा, देखने वाला, दृक ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निश्चय, जो देखने वाला है वही ब्रह्म है, और जो दृश्यमान जगत है वह कल्पित है, उसी में असत्य इस अर्थ में है कि उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। वह उसी जो दृक है, जो ब्रह्म है, जो एक देखने वाला है, उसमें समस्त अनंत जगत कल्पित है, और देखने वाला एक है, जो दृश्य है वो अनंत है, क्योंकि स्वप्न है। रात में जब ये श्रेष्ठतम जो अद्वैत वेदांत का मांडुक्य उपनिषद में और मांडुक्य कारिका में निरूपण है, वो आपके समक्ष रख रहा हूं सरल शब्दों में इस पुण्य रामनवमी के अवसर पर। तो तुम एक होते हो, अपने बिस्तर पर सोए रहते हो और स्वप्न में देखते हो विशाल महासागर जल राशि, किनारे बैठे आनंद ले रहे हो, बड़े बड़े जहाज क्रूज का आनंद ले रहे हो, किसी महानगर में हो, कहां से हो जाता है सब? वह जो मन है और मन का प्रकाशक जो आत्मा है, उसकी कल्पना,
वो त्रिपुटी में परिणत हो जाती है। एक जो मन है यहीं पर है, यहीं बैठा हुआ है, परंतु वह कल्पित कर लेता है अनंत जगत, अनंत लोक। उसी प्रकार से जो एक राम है, जो ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर नित्य प्रतिष्ठित है, उसकी कल्पना है। जगत प्रकाश प्रकाश करामु, मायाधीश राम गुण काम गुण धामु, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। माया से ये बार बार मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते, ये मायामय है। द इंटायर यूनिवर्स इज नथिंग बट एन इल्यूजरी अपियरेंस विद इन योर सेल्फ, अपॉन योर सेल्फ, थ्रू योर सेल्फ। तुम्हारे अंदर ही, तुम में ही और तुमसे ही यह कल्पित हो रहा है अनंत जगत। तुम जब कह रहा हो तो देह से सीमित जो उपाधि और नाम से जो जन संबंध रखने वाली उपाधि है उसका निषेध करो, तब तुम जो चैतन्य स्वरूप हो, सदा चैतन्यमय हो। यह शरीर तो जन्मता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जरा रोग व्याधि ये समस्त इस शरीर के हैं, जो संपूर्ण मानवता आज त्राही त्राही कर रही है कोरोना महामारी से। सब लोग इतने त्रस्त हैं, भयग्रस्त हैं। ये सबके सब दुख तो इस शरीर के हैं। शरीर से परे जो शरीर का प्रकाशक है, इंद्रियों का प्रकाशक है, मन बुद्धि का जो प्रकाशक है, जो ब्रह्म है, वही राम है। और वह राम न कभी जन्म लेता है, न उसकी मृत्यु होती है। वह सच्चित आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्मांड का आधार, अधिष्ठान और केंद्र है, स्रोत है। वह अक्षय निरामय तत्व है। वह आनंद का अक्षय भंडार है। वही तुम हो। वह तुम्हारा अंतरतम स्वरूप है। उस तत्व का बोध हो जाने पर समस्त रोगों से मुक्त हो जाते हो, समस्त भय से मुक्त हो जाते हो, जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाते हो। ये जीवन मृत्यु का भय, ये रोग का महामारी का भय, ये सब के सब इस कल्पित जो शरीर नाम उपाधि से संबंध रखने वाला यह जीवात्मा उसके हैं। तुम्हारा परम तत्व तो वह राम है, वह शिव है, वह कृष्ण है, जो तुम्हारे अंदर नित्य प्रतिष्ठित है। और वहां पर न कोई रोग है, न कोई शोक है। वहां पर तुम नित्य सौंदर्य मूर्ति हो, प्रेम मूर्ति हो, आनंद मूर्ति हो। तुम असंग हो, निसंग हो, निरंजन हो। तुम ब्रह्मांड के कण कण को तुम ही प्रकाशित कर रहे हो। समस्त ब्रह्मांड तुम में ही कल्पित हो रहा है और समस्त ब्रह्मांड में तुम व्याप्त हो। यू आर परवेडिंग द इंटायर यूनिवर्स, दैट रामा तत्व, द रामा एलिमेंट। जो राम तत्व आपके अंदर है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो देख रहा है, जो अनुभूति कर रहा है, करा रहा है, वह अजर अमर अविनाशी, वह ब्रह्मांड के कण कण में कल्पना के रूप में, क्योंकि एक के सिवाय दूसरा है नहीं। द्वैत भाव और द्वैत का जो अज्ञान है, समस्त मोह का, दुख का कारण है, समस्त रोग शोक भय का कारण है। वह जो तात्विक राम है, वह तो कालों का महाकाल है। उसमें न कोई जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है। उस राम तत्व की अनुभूति करो। इस रामनवमी को वह शुभ अवसर बनाओ। कौशल्या का तात्पर्य है, जब मन तुम्हारा कामनाओं वासनाओं से मुक्त हो जाता है, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाता है, और अंतःपुर में जाते हो निधि ध्यासन के माध्यम से, और निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित होते ही तत्काल, जिस क्षण वह रामनवमी चैत्र मास की शुक्ल नवमी को ही नहीं, वह 12 बजे की तिथि ही नहीं, लोकप्रिय लोक कथा लोक ज्ञान के लिए तो वह सही है, परंतु वह चैत्र शुक्ल नवमी और 12 बजे दोपहर के जो क्षण, तो वो वही क्षण है जिस क्षण अपने निर्विकल्प समाधि में तुम प्रतिष्ठित हो जाओ, जहां ये समस्त ये जो द्वैत जगत है, जो नाम रूपात्मक के संबंध से जो कल्पित जगत है उसका निषेध करो, तो वहां पर राम ही बच जाता है। तुम अनुभूति करोगे राम साक्षात, वहां पर उसका दर्शन होता है। वह कोई नाम रूप उपाधि गुण संबंध नहीं, वह निर्गुण निराकार निर्द्वंद निरामय तत्व है तुम्हारा। वह प्रकाशमय है, वह चैतन्यमय है, वह प्रज्ञामय है, प्रज्ञानं ब्रह्म। तुलसीदास कह रहे हैं, मायाधीश
ज्ञान गुण धामु, ज्ञान गुण धामु, ज्ञान यहां पर उपनिषदों का, वेदांत का जो ज्ञान है, जो ज्ञानमय ही है, यह ब्रह्मांड ज्ञानमय है, जो उसका मूल स्वरूप है, उसी ज्ञान में जहां जड़ तत्व है, जड़ और चेतन इस शरीर के अंदर तुम्हारे दो तत्व हैं, जड़ और चेतन, जो भगवान कृष्ण ने कहा मेरी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो जो परा प्रकृति है चैतन्य है, अपरा वह तो जड़ तत्व है। तो ये नाम रूप शरीर गुण इंद्रिय संघात, ये जो जगत है पंचभूतों का, ये तो जड़ तत्व है, तत्व है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसकी सत्ता, इसका अस्तित्व, इसका आधार अधिष्ठान वह मायापति राम है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसे कहते हैं उपनिषद, और वो तो नित्य तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित है, और वो नित्य औषधि है, राम नाम निज औषधि, समस्त रोग, समस्त दुख, समस्त भय, समस्त जन्म मृत्यु, समस्त महामारी, अभाव वासना कामना तो उस राम नाम के बोध के अभाव में होते हैं। उस औषधि को राम, इस रामनवमी का जो अभिष्ट है, उस राम को उपलब्ध हो जाओ, उसे जान लो, अपने अंतःपुर में उसका दर्शन कर लो। वो तो है ही तुम्हारी वासनाओं कामनाओं की जो चादर तुम्हारे और पट्टी तुम्हारे आंखों में ज्ञान चक्षु के ऊपर जो पड़ी हुई है, जो उसका बोध नहीं होने दे रही है, उसको हटा दो, उस पट्टी को हटा दो, और उस ज्ञान चक्षु से तो पट्टी तभी हटती है जब तुम कामना मुक्त हो जाते हो, वासना मुक्त हो जाते हो, अपेक्षा और आशा मुक्त हो जाते हो, तो तत्काल वह राम ही है, वह सच्चित आनंद ही सदा है, सदा था, तो उसकी अपरोक्षानुभूति हो जाती है। वही क्षण वहां पर राम नाम निज औषधि, यह औषधि किस रूप में, पैनेसिया फॉर ऑल द इल्स एंड ओज अफ्लिक्टिंग द मैनकाइंड एंड अफ्लिक्टिंग यू फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव्स। कैसे, युगों युगों से जो जितने प्रकार के भी कष्ट हैं, रोग हैं, व्याधि हैं, भय है, अभाव है, ये सब के सब तुम्हारी कल्पना में, जो कल्पित अज्ञान बस, मोह बस, जो तुमने इस शरीर से तादात्म्य बोध कर रखा है, अहंकार से जनित जो तुम्हारा अपना है, और जब राम तत्व का तात्विक जब दर्शन करते हो, जब अपरोक्षानुभूति होती है अपने अंतःकरण में, तो पता चलता है वहां पर अर्थ की राम नाम निज औषधि, अर्थात उस चैतन्य तत्व को जब मैंने अपने अंदर जान लिया, जब अपरोक्षानुभूति हुई, तो पता चला कि न मुझ में कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, मैं निरपेक्ष तत्व हूं, मैं सच्चित आनंद हूं, मैं ज्ञान का धाम हूं, मैं आनंद का अनंत महासागर हूं, मैं प्रेम मूर्ति हूं, मैं आनंद मूर्ति हूं, मैं सौंदर्य मूर्ति हूं। ब्रह्मांड के कण कण में अगर कहीं किसी भी रूप में कोई सौंदर्य जो मेरे अंदर वासना उपस्थित करता है, आकर्षण का कारण बनता है, वह वास्तव में मेरा ही प्रतिबिंब है। जहां कहीं भी प्रेम की एक बूंद है, एक कण है, वह मेरी अभिव्यक्ति है, मेरा आभास मात्र है, क्योंकि मैं प्रेमानंद हूं, मैं प्रेम मूर्ति हूं। जहां कहीं भी अगर इंद्रिय भोगों के माध्यम से भी, इस जगत में भी इंद्रिय भोगों के माध्यम से जो क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति करते हो इंद्रिय भोगों में भी, वह वास्तव में उस क्षण में अनुभव होता है कि वह तो मेरा अक्षय अमृत स्वरूप है, मैं तो अमृतानंद हूं, मैं आनंद का अक्षय भंडार हूं, मैं आनंद मूर्ति हूं। इस जगत में इंद्रिय भोगों के माध्यम से भी, द्वैत जगत में जहां कहीं भी मैंने इंद्रिय भोगों का भी क्षणिक सुख भोगा, वो तो मेरा अपना अक्षय निरामय तत्व है, कोई वासना कोई कामना वहां पर बच नहीं जाती, क्योंकि तुम सब कुछ पा लेते हो राम नाम को जानने से। राम नाम निज औषधि का तात्पर्य उस स्वरूप बोध में, और स्वरूप बोध समस्त रोगों की, स्वयं समस्त व्याधि की औषधि है। एक के जान लेने से, जिसे उपनिषदों ने कहा परम पुरुषार्थ से मोक्ष, उस एक तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है।
उस एक कार्य को संपन्न कर लेने से ही संपूर्ण कार्य और लक्ष्य संपन्न हो जाते हैं। उस एक को भोग लेने के पश्चात समस्त भोग सदा सदा के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। भोग का आनंद का अक्षय भंडार, जिसे उपनिषद ने ब्रह्मानंद कहा, आनंदम परमानंदम, परम आनंद है। आनंद तो जो बाह्य किसी विषय वस्तु पर आधारित है, लेकिन परमानंद क्या है? कल एक संत ने पूछा मुझसे कि ये आनंद और परमानंद में क्या अंतर है, ये जानिए। और राम तो परमानंद को देते हैं। आनंद तो तुम्हारे इंद्रिय भोग से, संसारिक भोगों से, ऐश्वर्य भी मिलते हैं, परंतु राम तो परमानंद अर्थात वह निरपेक्ष स्वयंभू आनंद का अक्षय भंडार, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारा निधान है, जो किसी भी बाह्य वस्तु पदार्थ और परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, जो तुम्हारा अंतरतम स्वरूप है, जो तुम्हारी निधि है, जिस ऐश्वर्य के तुम एकाधिकारी हो, उसका जब बोध हो जाता है तो परमानंद हो जाता है, क्योंकि उसका क्षय नहीं हो सकता है। उसे भोग करने के लिए कोई शर्त नहीं रहती, उसके क्षीण होने की कोई संभावना नहीं है। वह अक्षय अनंत अमृत का भंडार है, वह राम है। उस रामामृत का पान करो इस रामनवमी के अवसर पर, तो वह राम नाम निज औषधि। बड़े गहरे अर्थों में जो ब्रह्म तत्व का निरूपण जो उपनिषदों ने किया, उस अर्थ में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पूरे भारतवर्ष के उत्कर्ष और पतन का जो एक गहन रहस्य है, बचपन से यह सच्चिदानंद इस पर गहन शोध करता रहा है, तो एक बड़ी ही मार्मिक और गहन बात डॉक्टर राधा कृष्णन ने, जिनका नाम सबने सुना आपने, इस तथाकथित स्वतंत्र भारत, तथाकथित इसलिए कि कोई भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ, तो चलो अभी जो वर्तमान रूप में है, राजनैतिक रूप से उस स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे, और उसके पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनके चलते ही वहां इंडियन फिलोसफी का चेयर स्टैब्लिश किया गया। तो जो 1920 के दशक में भगवद गीता पर और उपनिषदों पर जो सबसे प्रमाणिक भाष्य उस काल के लिए पाश्चात्य जगत में ले गए डॉक्टर राधा कृष्ण, तो जो मैं पढ़ रहा था डॉक्टर राधा कृष्ण का भगवद गीता का जो भाष्य है अंग्रेजी में और उपनिषद में, तो एक उसकी प्रस्तावना में उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी बात लिखी है, और ये भारत के जन जन तक ये बात समझ में आ जाए, ये बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई जानी चाहिए, तो यह देश महाशक्ति यही अभी बनने की ओर यात्रा पर निकल पड़ेगा, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। वह तत्व क्या कहते हैं? कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, की अब हमने यानी सनातन धर्मियों ने, भारतवंशियों ने पिछले कुछ सौ वर्षों में, करीब 1000 वर्ष से जो इसका पराभव, जो दुर्गति शुरू हुई, हमने राम को और कृष्ण को एक कल्पित तत्व के रूप में, कोई ऐसी अद्भुत सत्ता जिसकी हमें कोई, जिसका बोध नहीं है, हम नहीं जान सकते, ऊपर से दैवीय सत्ता के रूप में अवतरित होते हैं, भगवान के रूप में, ये मान करके कि राम और कृष्ण दिव्य पुरुष हैं, दैवीय सत्ता हैं, भगवान भगवत स्वरूप हैं और भगवान के अवतार हैं, ये मान करके हमने उनके साथ, राम के और कृष्ण के साथ, तो लगता है कि बड़ा न्याय किया है, उनका पूज्य वंदन कर रहे हैं, तो उनके साथ तो कुछ किया या नहीं किया वह गौण प्रश्न है, लेकिन अपने साथ तुमने घोर अन्याय कर लिया। ध्यान दीजिए, क्यों कर लिया? राम को और कृष्ण को किसी दिव्य पुरुष, चमत्कारी पुरुष, अवतरित पुरुष के रूप में मान करके हमने घोर अन्याय इसलिए किया कि हमने मान लिया कि जो राम की जो शक्ति थी, जो कृष्ण की जो शक्ति थी, और राम और कृष्ण ने जिस उदात्त और उत्तम चरित्र का और जीवन का दर्शन दिया, वह तो भगवान थे, अवतरित थे, इसलिए मेरे लिए संभव नहीं है, उनका असत्य मेरा असत्य नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान थे। और यहां हम पाखंड को उपलब्ध हो गए, और वहां से हमारा पतन प्रारंभ हो गया सनातन धर्म का। वास्तव में राम का, राम जो मैं, जिस राम का वर्णन और निरूपण इस
रामनवमी के अवसर पर कर रहा हूं वह राम, और मैं पुनः कह रहा हूं और इसे ब्रह्मा भी कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि भी कह रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ भी कह रहे हैं, उसके आधार पर योग वशिष्ठ महारामायण के आधार पर कह रहा हूं कि राम तो तुम भी हो, मैं भी हूं, सब राम ही है, राम के सिवाय कोई है नहीं। तो राम तो दशरथ नंदन के रूप में पैदा हुए, जो कि तुम भी किसी न किसी मां और संतान से पैदा हुए, तुम भी कोई नंदन हो, आज भी हो, सब भी सदा रहे हो। लेकिन हम ये मान करके कि राम या कृष्ण कोई दैवीय सत्ता और भगवत्ता ऊपर से किसी दैवीय योजना के तहत आए थे, तो हमने उनसे जो सीखना था, उनसे जो शक्ति प्राप्त करनी थी, उनसे ज्ञान का अक्षय भंडार लेकर के हमें जो अपने शाश्वत सत्य को उपलब्ध होना था और जीवन एक परम आनंद ऐश्वर्य का जो भंडार था उसको दरिद्र बना दिया हमने। हमने मान लिया कि राम और कृष्ण तो हमसे परे तत्व है, परे सत्ता है, उनसे हमें कुछ सीखने जानने के लिए नहीं है। वास्तव में राम और कृष्ण भी, यहां पर आज रामनवमी है इसलिए राम को ही ले रहा हूं, और योग वशिष्ठ के माध्यम से मैं यह कह रहा हूं, मेरी जो समझ है, गहन अध्ययन किया है संन्यास के पश्चात पिछले 8 वर्षों से, उस योग वशिष्ठ महारामायण का चिंतन मनन निधि ध्यान करता हूं। तो राम तो एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए, और अनंत राजकुमार पैदा होते हैं, अनंत राज थे, परंतु गुरु वशिष्ठ ने जो योग वशिष्ठ की विद्या दी, उसने उसे उन्हें उसी राम को जो राजकुमार थे उन्हें राम रामत्व प्रदान कर दिया, भगवान राम बना दिया, भगवत्ता प्रदान कर दी, और वो तुम्हारे साथ भी विशेष रूप से सनातन धर्म के मानने वाले, वास्तव में तो ब्रह्मांड के और इस जगत के जो भी नर नारी है सब वही राममय है, उस राम तत्व का बोध करने के पश्चात राम हो सकते हैं, होने की संभावना है, बिल्कुल संभव है, परंतु विशेष रूप से जो आस्था रख रहे हैं, सनातन धर्मी हैं युगों युगों से, तुम जब यह जान लेते हो, तुम यह मान लेते हो और उस पर जब चल देते हो उस यात्रा पर कि राम हुआ नहीं जाता है, कोई कल्पित और कोई बाह्य सत्ता नहीं, रामत्व तो तुम्हारे श्रम से, तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारे चरित्र से उपलब्ध होता है, तो इस भारत भूमि को पुनः एक बार विश्व गुरु और विश्व महाशक्ति बनने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। जीडीपी भारत की क्या है, $5 ट्रिलियन की जीडीपी 2024 तक बनाने का जो संकल्प है मोदी सरकार का, वो ठीक है, सराहनीय है, परंतु समस्त जीडीपी, समस्त धन जो बाह्य आर्थिक जगत का है, वास्तव में उसे सृजित कौन करता है, उसका निर्माता कौन है? तुम हो जो सबल शक्तिशाली आत्मविश्वास से परिपूर्ण जो जिस देश के नागरिक होंगे, जिसमें राम और कृष्ण अपने अंदर में उस अदम्य उत्साह होगा, अजय आत्मविश्वास होगा, उस महाशक्ति को निर्मित करने वाला तो चरित्र चाहिए, दर्शन चाहिए, वह विद्या चाहिए सर्वप्रथम। तो दुनिया की कोई ताकत, ब्रह्मांड की कोई सत्ता, डेयर आई से नो पावर इन द यूनिवर्स कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग द सुपर पावर इफ यू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ योग वेदांत, योग वशिष्ठ महारामायण। जिस विद्या ने राम आम बालक को, राजकुमार को 14 वर्ष की अवस्था में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और जब योग वशिष्ठ के माध्यम से महर्षि वशिष्ठ जब उस अमर विद्या है जो उपनिषदों का जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो एक ब्रह्म अद्वय अखंड अविनाशी ब्रह्म का निरूपण करता है और सब में ब्रह्म ही देखता है, सब को ब्रह्म ही मानता है और अपने अंदर उस साधना को करता है, तो उस परोक्षानुभूति को उपलब्ध हो जाता है। तो मैं कहता हूं और योग वशिष्ठ कह रहे हैं और राधा कृष्ण भी कह रहे हैं, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, कि राम और कृष्ण सबके सब हैं, सब नर नारी राम ही हैं, कृष्ण ही हैं। उस रामत्व को, वो कृष्णत्व को तो अपनी विद्या से, अपनी तपस्या से, अपने संस्कार से, अपने चरित्र से, अपने कर्म से उपलब्ध होना है। तुम हो राम, हो यही हो, अभी हो, किसी अगले जन्म में नहीं। यह श्रेष्ठतम जो जन्म मानव
जन्म मिला है, जहां विवेक बुद्धि है, नित्यानित्य वस्तु विवेक है, क्या शाश्वत है क्या क्षणभंगुर है, इसके विवेक की जो क्षमता को प्रकट करो तो यही राम हो जाते हो। राम को वैराग्य 14 वर्ष की अवस्था में हुआ, जब पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके आ गए तो उदास उदास दिखने लगे, तो राजा दशरथ तो काफी परेशान हो गए। ये न बोलता है न हंसता है न मुस्कराता है न खाता है न पीता है, ये तो दुबला पतला हुआ जा रहा है। फिर विश्वामित्र को बुलाए, गुरु वशिष्ठ को बुलाए, अन्य अन्य तो ऋषियों ने जान लिया उस तत्व को कि ये जो क्षणभंगुर संसार है उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। इस राजकुमार अपनी किशोरावस्था में ही इस राम को, तो इसके निवारण के निमित्त जो महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ की विद्या दी, और उस जो संवाद है महाभारत के बाद सबसे लंबा जो कोई ग्रंथ है जो शास्त्र है वह है योग वशिष्ठ महारामायण। 3200 श्लोक हैं। वास्तव में अभी जितने भी उपलब्ध हैं, मैं उसमें से कई कई एडिशन मेरे पास है, हिंदी अंग्रेजी अधिकांश में अभी तो 19,000-30,000 ही मिल पाते हैं, लेकिन मूलतः उसमें 32,000 श्लोक थे। उस सब का सब उसी वेदांत के दर्शन का, वेदांत के महावाक्यों का ही विवेचन है, वर्णन है, वही अद्वैत वेदांत का दर्शन है। और योग वशिष्ठ महारामायण वेदांत पर उपलब्ध सबसे बृहत्तर ग्रंथ है, श्रेष्ठतम ग्रंथ है, विज्ञान है। एक ही तत्व को बार बार कथा के माध्यम से निरूपित कर रहे हैं। तो कह मैं ये रहा हूं कि राम को भगवान न मान करके, कोई बाह्य तत्व न मान करके, और भगवान मान भी रहे हो तो यह भी मानो कि वह भगवत्ता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस भगवत्ता को तुम भी उपलब्ध हो सकते हो, और होना ही तुम्हारा अभिष्ट है इस जीवन में। क्योंकि अब उस गहन तत्व पर आते हैं कि योग वशिष्ठ में वह कौन सी विद्या महर्षि वशिष्ठ ने बालक राम को, राजकुमार राम को दिया, जिसने उस बालक को भगवान राम बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। कुछ उसके 2-4 स्रोत लेते हैं ताकि आप उस अपने अंदर अंतःपुर में उस राम की अनुभूति कर सके, अपरोक्षानुभूति करें, आप रामत्व को उपलब्ध हो सके। वह राम का जो उद्घोष है, वह जो तीर धनुष है, वह आपका तीर धनुष होना चाहिए। तो वह 1-2 स्रोत लेते हैं, सबसे जो कुछ क्रांतिकारी स्रोत हैं, श्लोक हैं और मंत्र हैं जो योग वशिष्ठ महारामायण के, वास्तव में उसी अद्वैत वेदांत उपनिषदों का, भगवद्गीता का, ब्रह्मसूत्र का जो ज्ञान है, उसे ही बड़े विस्तार से सरल सहज कथानक के माध्यम से रखते हैं। तो 2-3 लूंगा। योग वशिष्ठ में कहते हैं, अहो नुचित्रा मायेयम् तात विश्वविमोहिनी सर्वांगा प्रोतमाप्यात्मा ययात्मान पश्यति ययात्मान पश्यति। सर्वोपि व्यवहारस्तो ब्रह्मणा क्रियते जनै अज्ञानान विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्। ब्रह्मचित् ब्रह्मभुवनम् ब्रह्मभूत परम्परा ब्रह्माहं ब्रह्मक्षत्रो ब्रह्ममन्मित्रबान्धवा। बड़े ही क्रांतिकारी सूत्र हैं मानव इतिहास में। ऐसे क्रांतिकारी सूत्र तो किसी कवि की कल्पना में भी किसी भाषा में नहीं है। इन 3 मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण वेदांत दर्शन या राजा रामचंद्र को, राजकुमार राम को महर्षि वशिष्ठ ने जो ज्ञान दिया, जो उन्हें भगवत्ता को उपलब्ध करा दिया, जो ब्रह्मत्व को उपलब्ध करा दिया, इन 3 श्लोकों के अर्थ समझें। अहो नुचित्रा मायेयम्,
ये माया विचित्र है। कैसी विचित्रता है इस माया की, कि इस माया के कारण ही, इस अविद्या अज्ञान के कारण ही वह आत्मा जो नख से पैर की कि जो उंगली है उसके नख से लेकर के और शिखा या हाथ की नख से शिखा तक इस शरीर में आत्मा के सिवाय कोई तत्व है नहीं। वह विद्यमान है, व्याप्त है, ओत प्रोत है, परंतु वह आत्मा दिखती नहीं है माया के कारण। यह संपूर्ण शरीर जो तुम्हें दिख रहा है, ये इंद्रियां दिख रही हैं, ये रोम रोम जो उसी आत्मा से व्याप्त है, जो चैतन्य रूप है, जो देखने वाला तत्व है, जो दृक है, समस्त अनुभूति करने और कराने वाला है, जो जानने वाला है, वह आत्मा ओतप्रोत है इस शरीर में नख से शिखा तक। परंतु कैसी विचित्र माया है कि माया के कारण, अविद्या के कारण वह आत्मा दिख नहीं रही है, उसका बोध नहीं हो पा रहा है। यहां पर जो आत्मा कह रहे हैं या आगे जो ब्रह्म शब्द कहेंगे, ये सब पर्यायवाची हैं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही तुम हो, वही मैं हूं। ये द्वैत जगत में संपूर्ण संभाषण, संपूर्ण प्रवचन, संपूर्ण संवाद तो द्वैत जगत में है, और वह अद्वैत निरंजन अव्यय अव्यक्त तत्व है, अनिर्वचनीय सत्य है वह राम। तो वह राम अब उस आत्म के जगह पर राम, वह राम तुम्हारे कणकट जो जगत प्रकाश प्रकाश का राम। गोस्वामी तुलसीदास के सूत्रों को ही वेदांत के माध्यम से लाकर प्रतिष्ठित कर रहा हूं और रख रहा हूं, ताकि तुम्हें यह भ्रम न हो जाए कि रामचरितमानस कोई कोई कथा है, कोई कहानी है। उस कथा कहानी जिस प्रकार से यह जो शरीर है, तो तुम शरीर, ये जो शरीर और इंद्रियों को ही तुम्हारा परिचय मान करके भूल कर बैठते हो, उसी प्रकार से जो राम, राम को गहरे अर्थों में गोस्वामी जी ने भी उस परब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया है और वही है। तो वह राम यहां पर आत्मा, अब आत्मा शब्द को राम, जो राम है तुम्हारे नख से शिखा तक, तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम को प्रकाशित कर रहा है, उसी में, उसी से, उस पर ही समस्त बोध हो रहे हैं। और वह जो तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र है, एक क्षण भी उससे अलग होकर के न तुम्हारा अस्तित्व है, न कोई अनुभूति है, परंतु उस राम का दर्शन नहीं हो रहा है, उस आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि माया के कारण से, माया के आवरण से, कामनाओं से, वासनाओं से चित्त ग्रस्त होकर के बाह्य मुखी हो गया है। और राम सदा तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। राम नाम की जो निज औषधि है, जिसका विवेचन कर रहा हूं, राम नाम की औषधि किसी जंगल में नहीं, वन में नहीं, किसी मेडिकल स्टोर में नहीं, वह राम नाम औषधि तो नित्य उपस्थित है तुम्हारे हृदय में। जाओ वहां पर, वो अमृत का अनंत भंडार है वह औषधि, उसकी एक बूंद का रसपान करो, समस्त रोगों, दुखों, शोकों से तुम मुक्त हो जाओगे, समस्त महामारी से, समस्त मृत्यु से, रोग से परे चले जाते हो, क्योंकि उस रामत्व का बोध हो जाता है। वह राम है, तू राम है, मैं राम हूं, इसका जब इसकी अपरोक्षानुभूति, विश्वास नहीं, ध्यान दे, वेदांत दर्शन जो है वो विश्वास पर नहीं चलता है, वो अपरोक्षानुभूति, डायरेक्ट रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंटीमेट रियलिटी, जो मेरा अंतरतम तत्व है, चरम सत्य है, उसकी अपरोक्षानुभूति। तो योग वशिष्ठ में कह रहे हैं कि यह आत्मा ही व्याप्त है, उसके सिवाय कोई तत्व नहीं, कोई सत्य नहीं है, परंतु वह आत्मा दिख नहीं रही है, नख से शिखा तक व्याप्त की है। अगला सूत्र जो बोला, ब्रह्मचित ब्रह्म भुवनम ब्रह्म भूत परंपरा ब्रह्माहम ब्रह्म क्षत्रुर ब्रह्म मन मित्र बांधवा, ये जो सूत्र है ऐसा क्रांतिकारी सूत्र तो उपनिषदों में भी नहीं है। कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ राजा रामचंद्र को, राजा रामचंद्र तो बाद में बने राजकुमार, राजकुमार कहें, क्राउन प्रिंस ऑफ अयोध्या आपकी तरह, वो भी एक आम अज्ञान से ग्रस्त जो किशोरावस्था का जो राजकुमार है, जो बालक है, उसे कह रहे हैं कि ब्रह्मचिद ब्रह्म कोई स्थूल तत्व नहीं, वह
चैतन्य स्वरूप है, वह प्रज्ञामय है, प्रज्ञानं ब्रह्म, इसका विश्लेषण कर रहे हैं यहां पर योग वशिष्ठ में। ब्रह्मचिद ब्रह्म भुवनम, वह ब्रह्म ही चैतन्य है और समस्त जो 14 भुवन जिसे कहते हैं, 14 लोक करते हैं, वह भी चैतन्य ही है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि स्वप्न में जब त्रिपुटी जो होती है अपने कमरे में होते हैं, परंतु स्वप्न देखते हो कि अनंत महासागर देख रहे हो, अनंत महानगर देख रहे हो, हाथी घोड़े पहाड़ देखते हो, तुम एक अकेला, तुम्हारा मन है वही वहां पर दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी में अभिव्यक्त हो रहा है, एक ही तीन बन जाता है, स्वप्न का जगत, स्वप्न जगत का कर्ता कर्म और ये त्रिपुटी। उसी प्रकार से जो राम है, राम ही वह चैतन्य तत्व है, उसमें इसलिए अद्वय कहा गया, वो अविभाज्य तत्व है, इनडिविजिबल नॉन डुअल रियलिटी। समस्त भेद और विभाजन जड़ में संभव है, चैतन्य अविभाज्य है, जो तुम्हारा प्रज्ञा स्वरूप है, जो तुम्हारा, जो तुम्हारी चेतना है, चेतना का जो प्रकाश है, उसमें विभाजन संभव नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तुम्हारी चेतना और मेरी चेतना, चेतना दो नहीं हो सकती, चेतना एक ही है। जिस चेतना ने अनुप्राणित और प्रकाशित राम को किया, जिस चेतना ने कृष्ण को किया, लाखों करोड़ों ऋषियों मनुष्यों को किया, वही चेतना मैं ही मैं हूं, वही चेतना तुम हो। राम भी मैं ही था उस अर्थ में, कृष्ण भी मैं ही था, शिव भी मैं ही था, अनंत ऋषि मुनि युग युग से भी मैं ही था, मुझ में ही सब अवतरित हुए, बुद्ध भी मैं ही था, महावीर भी मैं ही था, क्राइस्ट भी मैं ही था, अनंत रूपों में, अनंत धर्म के रूप में जो अभिव्यक्त हुए, सब कुछ मुझ एक अनंत वह जो चैतन्य तत्व हूं, उसमें ही यह सब कुछ कल्पित है, स्वप्नवत कल्पित है, आभास मात्र है। इसलिए ब्रह्मचिद ब्रह्म भुवनम, ब्रह्म भूत परंपरा, भूत परंपरा, द सक्सेशन ऑफ द 5 एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, जो पंच भूतों से निर्मित यह जगत है, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पंचों, इन पंच भूतों के संघात से, और ये पंचभूत जिस रूप में है, इनसे जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, ये जिस जगत का तुम दर्शन कर रहे हो वह पंचभूतमय है, उस सब का सब वास्तव में उसका आधार अधिष्ठान वह चैतन्य तत्व है, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म ही है। ब्रह्मचिद ब्रह्म भुवनम, ब्रह्म भूत परंपरा, ब्रह्मा हम ब्रह्म क्षत्रो ब्रह्म मिन मित्र बांधवा, ब्रह्म मैं भी ब्रह्म हूं, मेरा शत्रु भी ब्रह्म है, मेरे मित्र बंधु बांधव सखे संबंधी भी ब्रह्म हैं, वह ब्रह्म एक है और वह ब्रह्म ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है, यह परम तत्व है, यह चरम सत्य है, इस तत्व को जानो हे बालक रामचंद्र, और इस तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ, यहीं और अभी उस ब्रह्म तत्व को जान लो, अपरोक्षानुभूति में उपलब्ध हो जाओ और अपने परम सौभाग्य को, अपने परम गौरव को उपलब्ध हो जाओ, चरम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाओ, यह तत्व जानकर कि शत्रु मित्र बंधु बांधव तुम और यह समस्त जगत सबके सब एक सत्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, उसका ही प्रकाश है, उसका ही आभास है, उसमें ही स्वप्नवत दिख रहा है, उस चेतना का विस्तार है, वह ब्रह्म तुम हो, वह ब्रह्म मैं हूं और वही राम है। शत्रु भी ब्रह्म है, ध्यान दीजिए, विश्व में मैं कम से कम जितने भी आध्यात्मिक अन्य परंपराओं का भी, शत्रु भी ब्रह्म है, पत्नी भी, पति भी, सखे संबंधी, जगत जड़ चेतन सब ब्रह्म ही है, जिसको जगत गुरु आदिशंकर ने क्रांतिकारी शब्दों से व्यक्त किया, उसी तत्व को कह रहे हैं। अब जरा वो शब्द भी जान लें, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट और करूंगा, क्योंकि नेटवर्क अच्छा नहीं काम करता है, कल काफी देर प्रयास किया और वो जो किया मैंने लाइव, हर 2 मिनट पर इंटरप्शन हो रहा था, क्योंकि बाद में किया था, इसलिए पहले मैंने आज कर रहा हूं, 5-10 मिनट अगर किसी व्यवधान के कारण न बने तो इसलिए 5-10 मिनट में उस तत्व को रखता हूं, उस राम तत्व को, इस दिव्य रामनवमी के अवसर पर। तो जगत गुरु ने कहा, जिसको गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, कि वह सर्वत्र ब्रह्म ही है और एक ब्रह्म का ही विस्तार है सब कुछ, दृष्टा दृश्य दर्शन कर्ता और कर्म, तो उसको जगत गुरु ने कहा, जगत गुरु आदि शंकर ने,
श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद् वक्तुं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः जीवो ब्रह्मैव नापरः। क्या क्रांतिकारी सूत्र है जगत गुरु पूज्यपाद भगवान आदिशंकर के। कहते हैं कि जिस सत्य का उद्घोष मानव इतिहास में करोड़ों 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 ग्रंथों ने करने का प्रयास किया है, उस सत्य को मैं आधी पंक्ति में रख रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं, उस सत्य को मात्र आधी पंक्ति में बोल रहा हूं मैं। और वह सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जो ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, वह एकमात्र सत्य है। और यह जी ये जगत जो कल्पित पंचभूतों से दृश्यमान अनुभूति गम्य जो यह पंचेंद्रियों से के अनुभूति में आ रहा है जगत, यह मिथ्या है। मिथ्या इस अर्थ में है, ध्यान दें कि ये जिस रूप में दिख रहा है, पेड़ पौधे पशु पक्षी नर नारी क्षिति जल पावक गगन समीर, मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि वो है ही नहीं। मिथ्या का यहां पर अगर अर्थ ना समझे तो 99% लोगों ने इसका अनर्थ समझ करके और कुतर्क करना प्रारंभ कर देते हैं कि ये दीवार है। देखो कैसे कह रहे हो कि मिथ्या है, दीवार तो है यहां पर, स्वप्न में भी देखते हो दीवार है, महानगर है। और जब तक स्वप्न में रहते हो तब तक बोध नहीं हो पाता है, तब तो वो बाघ तुमको काट भी सकता है, समुद्र तुम्हें डुबा भी सकता है, तुम्हारा दुश्मन शत्रु खड़ा रहता हो, मारने की क्षमता भी रखता है, परंतु वो सब कल्पित होता है उसी प्रकार से। लेकिन इसका आधार अधिष्ठान क्या है? यह जो जिस नाम रूप में पंचभूतों के संघात में जो तुम्हें तुम्हारी इंद्रियों का बोध का विषय जो बना हुआ है, वह उसका सत्य नहीं है। वह है लेकिन वह ब्रह्म रूप है, चैतन्य तत्व है, चैतन्य में ही, चैतन्य से ही और चैतन्य पर ही कल्पित है, आभास मात्र है यह संपूर्ण जगत। जीवो ब्रह्म ही वनापरह। यहां मैं बड़े गहन शोध के बाद मुझे उचित लगता है कि जीवो ब्रह्मैवना कह करके गुरुदेव जो आदिशंकर ने किया वो तो अब उसकी मैं, लेकिन आसानी से समझने के लिए जगतो ब्रह्मैवनापरः, क्योंकि पहले जगत रखते हैं, जगत को मिथ्या कहते हैं, फिर जीव पर, तो वहां जगत और जीव दोनों एक तत्व हैं। ये समझें, जगत के अंदर ही जीव है और जीव से ही जगत है। तो जगत मिथ्या है अर्थात जीव मिथ्या है, लेकिन क्या है ही नहीं है। जीवो ब्रह्मैवनापरः, यह जीव या जगत जो तुम्हारी दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसका बोध हो रहा है, वह भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। जिस प्रकार से स्वप्न में तुम अपने कमरे में बिस्तर पर होते हो, परंतु तुम्हारे मन का प्रक्षेपण ही होता है अनंत विशाल महासागर, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ या महानगर जो देखते हो, तुम्हारी उस जो मन के उपकरण के माध्यम से तुम्हारी चेतना के आधार अधिष्ठान के आधार पर ही अनंत जगत का दर्शन करते हो स्वप्न में, उसी प्रकार से यह समस्त जगत उसी एक अद्वय अखंड अविनाशी सच्चिद आनंद स्वरूप जो राम है, जो ब्रह्म है, उसी में कल्पित हो रहा है। इसका आधार अधिष्ठान वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय कोई सत्य नहीं है। वह तुम्हारा सत्य अभी है, सदा था, सदा रहेगा। अपने अंतःपुर में जाकर के कामना मुक्त होकर, वासना मुक्त होकर बाह्य मुखी चित्त को अंतर्मुखी करो तो साक्षात तुम राम का दर्शन करोगे। और राम का दर्शन, जिस राम का दर्शन करा रहा हूं, वो दर्शन करोगे तो तुम राम ही हो जाओगे, तुम भक्त न रह जाओगे और तुमसे परे वह राम न रह जाएगा। वहां भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं, जीव और शिव एक हो जाते हैं। इस रामनवमी के पावन अवसर पर उस राम का दर्शन करो और उस राम के दर्शन पर ही यह युगो युगों से करोड़ों वर्षों से इस ऋषियों मनुष्यों की जो संस्कृति ने इस वैभवशाली संस्कृति को की नींव रखी थी, जो तार तार हो गई है। और यह जो तुम्हारा जो जीवन
का विशेषाधिकार मानव जीवन के रूप में तुम्हें मिला है, और विशेष रूप से यह दिव्य पावन भूमि अपनी सभी कमजोरियों के बावजूद अभी भी उसकी दिव्यता तो उस प्रकार से उस दिव्य भूमि है, कण कण में यहां पर शंकर का वास है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उस राम का दर्शन अपने अंदर करना और वही हो जाना, वेदों ने कहा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। और मैं यहां पर राम को निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में, जो कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने आवाहन किया और बड़ा ही क्रांतिकारी जो सूत्र, और वो मैं उसमें 1000% यह मानता हूं कि इस देश में राम को हम कोई बाहरी दैवी सत्ता न मानकर ये माने कि वह एक राजकुमार के रूप में तो उनका जन्म हुआ, परंतु अपने कर्म से, अपने चरित्र से, अपने परिश्रम से, अपनी उस आत्मबोध की विद्या से, जो 14-15 वर्ष की अवस्था में योग वशिष्ठ के माध्यम से महर्षि वशिष्ठ ने जो दिव्य ज्ञान दिया, वह रामत्व को उपलब्ध हुए, वह भगवत्ता को उपलब्ध हुए, और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस जगत में भी एक मर्यादा पूर्ण जीवन जिया, और हम सब उस परम वैभव परम ऐश्वर्य को, जो आत्मबोध है, जो राम बोध है, जब राम का बोध होगा तभी वह राम नाम निज औषधि, तुम्हारे समस्त शोक दुख दारिद्र का निवारण, तुम्हारे अज्ञान का निवारण, जो प्रतिपल तुम भयभीत हो रहे हो कि मुझे कोरोना महामारी में मैं ग्रस्त न हो जाऊं, कालकवलित न हो जाऊं, रुग्ण न हो जाऊं, ये सब के सब कल्पित है। जब राम को जान लोगे, राम नाम निज औषधि को उपलब्ध हो जाओगे, तो किसी रोग, किसी भय, किसी संताप की कहीं कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वह शाश्वत सत्य को उपलब्ध हो जाते, वह औषधि ऐसी औषधि है, कहने के लिए वह आध्यात्मिक औषधि है, वह वेदांत की औषधि है, स्वरूप बोध जो तुम्हारा है ही, जो तुम्हारा स्वरूप, जो तुम्हारा खजाना, तुम्हारा जो परिचय सदा था ही, उसको जान लेना है, कहीं सृजित नहीं करना है, कहीं कोई परिश्रम दूसरे बाह्य तत्व को प्राप्त करने के लिए नहीं, जो तुम्हारा अंतरतम स्वरूप जो है, द मोस्ट इंटीमेट आइडेंटिटी एंड रियलिटी एंड पर्सनैलिटी ऑफ योर्स इज रामा, रामा विद इन, एंड द रेमेडी ऑफ रामा विल प्रूव एज द पेनेसिया फॉर ऑल द इल्स एंड ओज एफ्लिक्टिंग द मैनकाइंड एंड एफ्लिक्टिंग योर लाइफ। एट लीस्ट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेलफेयर, तुम्हारा जो कम से कम व्यक्तिगत कल्याण है, और तुम्हारे व्यक्तिगत कल्याण में भी लोक कल्याण है, और लोक कल्याण में भी व्यक्तिगत कल्याण है, इसलिए इस रामनवमी के पावन दिव्य अवसर पर मेरा आवाहन है समस्त सनातन धर्मियों को और संपूर्ण मानव जाति को ही, कि मानव का यह जो जन्म है, जहां पर तुम्हें विवेक बुद्धि परमात्मा ने दी है, राम ने दिया है, और वह राम ही तुम तत्वतः हो, सत्या सत्य नित्या नित्य वस्तु विवेक करके उस राम को जानो जो तुम्हारे अंदर जगत प्रकाशक के रूप में नित्य व्याप्त है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश राम गुणधामो, तो उस जगत प्रकाशक को तुम्हारे प्रकाश सत्चित आनंद, वेदों ने ब्रह्म को या उपनिषदों ने ब्रह्म को सत्चित आनंद 3 शब्दों में व्यक्त किया, जो शाश्वत अस्तित्व है, जो चैतन्यमय है और जो आनंदमय है ब्रह्म, वो राम जो है, जब गोस्वामी जी भी कर रहे हैं, अब वो कथावाचक, अब उनकी अपनी सीमा है, या वो जानते हुए भी जो भक्त की श्रोता की सीमा है, इसलिए इसका निरूपण नहीं करेंगे, कथा बता करके रोचक भक्ति करेंगे, और ठीक है, कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, उसकी अपनी उपयोगिता होगी, लेकिन इस जो राम नाम निज औषधि तो उससे मिल ना पाएगी, राम नाम निज औषधि तो तुम्हारे अंदर सदा उपलब्ध है, और वह जो अमृत का अक्षय भंडार है, जो कलश है, उसका रस पान करो, तब राम नाम निज औषधि के उस अमृत का पान करके फिर जो मतवाला हो जाओगे, उस अमृत के प्याले को पियो तो राममय हो जाओगे, ब्रह्म हो जाओगे, जो तुम्हारे जीवन का अभिष्ट है, जो चरम सत्य है, जो परम पुरुषार्थ है, उसको पा करके धन्य धन्य हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे, परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाओगे, क्योंकि बिना उस परम
आत्मबोध राम बोध के बिना, राम नाम की निज औषधि है उसको जाने बिना तो जीवन में तृप्ति नहीं मिलती है। तुम भागते ही रहते हो पिशाचवत प्रेतवत, एक वासना से दूसरी वासना, एक कामना से दूसरी कामना, एक तृष्णा से दूसरी कामना के पीछे भागते रहो यो यो तक, जब तक उस राममय तत्व को ना जानोगे, अपने अक्षय अमृत के आनंद को ना जानोगे, उसका पान न करोगे तब तक नहीं जान पाओगे। मैं बहुत जल्द ही पूज्यपाद जगत गुरु आदिशंकर, शायद आज से ही शाम से प्रारंभ करूं, अपरोक्षानुभूति जो श्रेष्ठ ग्रंथ है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, तो मैं अपरोक्षानुभूति पर प्रवचन प्रारंभ करने वाला हूं और साधना भी साथ साथ कराऊंगा, निधि ध्यासन प्रतिदिन कराऊंगा। अभी तो मैंने पिछले हफ्ते कुछ 5-7 ज्यादा अंग्रेजी में किए हैं, क्योंकि बहुत से श्रोता हमारे यूरोप में भी, अमेरिका में भी हैं, दूसरे देशों में भी हैं, तो उनके साथ भी न्याय हो, इसलिए अंग्रेजी में शायद अपरोक्षानुभूति की जो प्रवचन माला करूंगा, अधिकांश संभावना है कि अंग्रेजी में ही करूं। हिंदी के बहुत सारे प्रवचन भी मैंने अपने यूट्यूब पर डाले हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो वेद वेदांत मिशन है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब गहन रूप में जो श्रेष्ठतम ग्रंथ है द्वैत वेदांत के, जो अपरोक्षानुभूति के, आत्म साक्षात्कार के, अब उनको मैं, उन ग्रंथों को प्रारंभ करने वाला हूं, और प्रारंभ अपरोक्षानुभूति से करूंगा, जिसमें संपूर्ण आत्म साक्षात्कार की अपरोक्ष यानी डायरेक्ट डायरेक्ट इमीडिएट इंटीमेट इंस्पायर्ड इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ द रियलिटी विद इन। अभी यही उसको अनुभूति कर लेना है। तो आज रामनवमी के इस पावन अवसर पर आप सबको कोटिशह बधाई, आपके जीवन में मंगल हो, मंगल हो, और संपूर्ण मानवता के लिए मेरी प्रार्थना है कि भगवान श्री राम की कृपा बरसे और ये जो कोरोना महामारी है इससे सब के सब मुक्त हों, जल्द से जल्द यह मानवता स्वस्थ हो जाए, सब सुखी हो जाएं, और अपने उस परम पुरुषार्थ के लिए अपना पुनः प्रारंभ कर दें, प्रयास करें, उसके साथ साथ अपने जो अर्थ धर्म काम मोक्ष साथ साथ में ये सब के सब के लिए जो गतिविधि है अपने लग जाएं। इसके निमित्त मैं मौन में जाकर के, और आप मेरे साथ में उसी एक बार पुनः 21 बार राम नाम निज औषधि का हम पाठ करते हैं, लोक कल्याण के निमित्त, विशेष रूप से इस बार संपूर्ण मानवता के लिए जो त्रस्त करने वाली जो बीमारी है, महामारी है कोरोना की, उससे मुक्ति के लिए। और ये महामंत्र है, मेरे पूज्य दादा गुरुदेव कर्पात्री जी महाराज ने इसे बताया था, और भीषण से भीषण, भयंकर से भयंकर जो पाप है उससे मुक्त हो जाते हो, जो ब्रह्म हत्या से भी। तो 21 बार, और अधिक से अधिक सनातन धर्मियों से विशेष रूप से मेरा अनुरोध है कि आज दिन भर जितना हो सके इस श्री राम जय जय राम इसका आवाहन करें, सामूहिक रूप से करें, अकेले करें, ध्यान करें, भजन करें, मनन करें, वो आपके अंदर जो राम है वह अवतरित होगा, वह समस्त क्लेश को और तापों को, संतापों को हर लेने वाला वह तत्व तुम्हारे अंदर विद्यमान है, उस राम का अवतरण करो। तो आओ पुनः एक बार 21 बार इस राम नाम महामंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद 1-2 मिनट का मौन उस राम तत्व का अपने अंदर अपरोक्षानुभूति करेंगे और फिर विसर्जित करेंगे आपका आज का सत्संग। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय 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 सर्वे नः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ वसतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हरिः ॐ श्रीपरमात्मने नमः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अकर्ताहं अभोक्ताहं अविकारोऽहमाक्रियः शुद्धबोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः। नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः। अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः।
वह सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो राम है, जो कृष्ण है, वह बाह्य तत्व नहीं, तुम्हारा अंतरतम तत्व है। अपने अंदर में उसका दर्शन करो, उसका बोध करो। यह रामनवमी के रामावतार का जो वेदांतिक आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य है। फिर रामावतरण अभी हो जाएगा और उस राम का दर्शन होकर तुम भी वह रामत्व को उपलब्ध कर दोगे, तुम भी राम ही हो जाओगे। क्योंकि वेदों ने कहा ब्रह्मविद ब्रह्मही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए उस परम पुरुषार्थ को सबके सब उपलब्ध हों, यही मेरी कामना है इस पावन रामनवमी के शुभ अवसर पर। उस संकल्प को प्रगाढ़ करें और अपने जीवन को धन्य करें, कृत्य कृत्य करें। श्री राम जय राम।